हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट कंटिन्यू हायर हाई मेंटेन कर रहा है और जहाँ पे इस बार बैंक निफ्टी क्लोज किया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे जगह में क्लोज आए हैं। बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है और निफ्टी 18,000 के ऊपर। तो आने वाले दिनों में एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं अपसाइड में। तो अगर आप देखें तो निफ्टी में अपर साइड में लगभग 800 से 900 पॉइंट का एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अपर साइड में लगभग 2000 पॉइंट के आसपास तक का, ठीक है। क्योंकि 500 पॉइंट ऑलरेडी चल चुका है, 38,000 से 500 पॉइंट तो चल चुका है, तो यहाँ से 1500 पॉइंट एटलीस्ट मूवमेंट आना चाहिए। मतलब अपर साइड का टारगेट इसका 39,800 से 40,000 के आसपास का टारगेट हम देख सकते हैं। तो राउंड फिगर में आप इसे 40,000 का लेवल समझिए। अब देखिए, इसका मैं एक लॉजिक बताता हूं। अगर आप यहां से फिबोनाकी एक्सटेंशन लगा दें, ठीक है, तो आपको दिखेगा, यहां से देखिए फिबोनाकी लेवल में आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर जीरोधा में हम चार्ट ड्रा करते हैं फिबोनाकी में, तो हमें केवल 161% तक आता है, ठीक है। इसके ऊपर 261% भी होता है, ठीक है। इसके ऊपर और भी लेवल आते हैं, तो यहां से अगर आप देखें तो इसका जो मूवमेंट अभी आने वाला है, राइट, एटलीस्ट 161% इसका लेवल है 39,300 का। आप भी ड्रा कीजिएगा तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। और ये लेवल मिलेगा 40,000 के अराउंड। 40,000 एक राउंड फिगर लेवल भी होगा, तो वहाँ पर मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस भी बनेगा मार्केट में। तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेंड हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जब भी मार्केट नीचे की तरफ मिले हम वहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। और अगर आप पोजिशन लेके जाना चाहते हैं तो फ्यूचर प्लस कीजिए और पोजिशन को हेज कर लीजिए कॉल सेल करके, ठीक है, वो आपका ट्रेड अच्छा रहेगा। तो अब चलिए देखते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और भी शेयर करूंगा दोस्तों, जो आज मैं आप लोगों को लाइव में कई सारी चीज़ें मैंने शेयर किए हैं अपने अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे तो सारे ट्रेड मिलते होंगे, माफ़ कीजिएगा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसको बंद कर लेता हूँ। देखिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक पॉइंट शेयर किया था कि अगर मार्केट 38,100 के पास पहले आए तो हम लोग इस लेवल से ही बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ जब बाइंग करें तो कॉल बाई करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल फास्ट आएगा। अगर मॉर्निंग में ट्रेड लिए होंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चांस तो कम मिला होगा, अगर लिए होंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, नहीं लिए होंगे तो कोई बात नहीं, मार्केट एक बार फिर वापस आएगा। जब मार्केट नीचे आया तो मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ऐसे वापस जाएगा अपर साइड में। तो अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लिए होंगे तो 150-200 पॉइंट का दो कैंडल में रिवर्सल, ऐसे कंडीशन में ऑप्शन बाई करना चाहिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है और फास्ट मिलता है, और ऑप्शन तो तभी बाई करना चाहिए जब मार्केट में मूवमेंट फास्ट हो। इसके बाद मार्केट मैंने देखा कि यहाँ से अभी रेजिस्टेंस बना रहा है, तो मैंने दोबारा भी सजेस्ट किया आप लोगों को कि अब इसका काम खत्म हो गया है, अभी ये साइडवेज रहेगा। फिर मार्केट साइडवेज हो गया तो मैं यहाँ पर कॉल सेल किया था। काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी फिर से कॉल सेल करना प्रीफर कर रहा हूँ, अपना चार्ट शेयर करूँगा, सॉरी पोजीशन शेयर करूँगा। कुछ पोजीशन मेरा BTST का भी है, इसे भी बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने SBI में पोजीशन लिया है, आप लोगों को भी BTST दिया है। कल मैंने HDFC में लिया था, इसमें भी मैंने मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन HDFC बैंक अच्छे जगह में क्लोज किया है इसलिए मैंने पोजीशन होल्ड किया है। और रिलायंस निफ्टी को तो अभी जब से ब्रेकआउट हुआ है मैं कंटिन्यू इसको होल्ड करते ही हूँ। तो ये मेरा पोजीशन है और ये था मेरा बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का था। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए आजकल प्रॉफिट मिल तो रहा है लेकिन इसका साइज कम है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वांटिटी कम कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पर क्या कर लिया था, मल्टी स्ट्राइक स्ट्रगल सेल कर दिया था, अच्छा प्रॉफिट मिला। चूंकि मैं देखता हूँ टेलीग्राम चैनल में, इसको इसलिए भी शेयर नहीं कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि इसे कम लोग पोजिशन बनाते हैं। ये पोजिशन बनाने में लगभग लगभग 10 से 12 लाख रुपया लग जाता है, ठीक है। मतलब दो दो लॉट करेंगे तो एक लॉट करेंगे तभी इसमें आपको 5 लाख रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिन लोग समझते हैं पोजिशन बनाते रहेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लगभग लगभग मैं आज इसमें 47,000 आसपास गेन किया हूँ, ठीक है। इसमें से 20,000 प्रॉफिट बुक है, और इसमें रिलायंस निफ्टी का भी प्रॉफिट बुक है क्योंकि कल भी मेरे पास बाइंग था, और इसमें मेरा HDFC बैंक में भी प्रॉफिट बुकिंग है, मैं इसमें कई बार एडजस्ट किया हूँ इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट आपको कम दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कल का लेवल क्या हो सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं आपको बताता हूँ उसे मैं करता हूँ, ठीक है। अपना प्रॉफिट लॉस दिखाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं ये आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं बताता हूँ वो ट्रेड मैं वहाँ पर करता हूँ। जैसे आज आप लोगों को मैंने रिलायंस निफ्टी ट्रेड दिया था, ठीक है, अभी उसके ऊपर शेयर करूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसमें बात करते हैं। देखिए तो ये मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया, इसके बाद ब्रेकआउट आया।
अब ब्रेकआउट आके ये थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया है, और रिट्रेसमेंट भी बहुत अच्छी जगह मिल गया यहाँ पर। ओके, कल इस भाव में मिल जाए तभी बाई कर लेना चाहिए, इसके ऊपर मिले तब भी बाई कर लेना चाहिए, मतलब आज के हाई के ऊपर मिले तभी हमें बाई कर लेना चाहिए इमीडिएट, ठीक है। 38,600, कल भी मैंने बताया था कि अपर साइड में 38,500 से 600 का मूवमेंट दिख सकता है, लेकिन मॉर्निंग में नहीं गया और बाद में गया, तो एक टारगेट ही पूरा हो गया है। अपर साइड में 39,000 का टारगेट कल मिलना चाहिए, अगर यहाँ पर मिलता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिले मतलब फ्लैट ओपन हो जाए, 5 मिनट का चार्ट अपने को वेट करना है, ग्रीन कैंडल बने बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट अगर ग्रीन कैंडल मिलता है और ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो हमें बाई करना चाहिए अपर साइड में 38,600 के ऊपर, इसी लो का एसएल लगा सकते हैं अपन, ट्रेड हमें अच्छा मिलेगा अपर साइड में, एटलीस्ट अपर साइड में 39,000 का मूवमेंट तो हमें, मुझे लगता है कल के दिन पे बैंक निफ्टी में दिखा देगा। ओके, और दो बैंक मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे कल मैंने बताया था एचडीएफसी बैंक भी अच्छा लग रहा है और एसबीआई भी अच्छा लग रहा है। एसबीआई में हम लोग बीटीसी ऑलरेडी ट्रेड लिए हुए हैं, मुझे लगता है एक अच्छा ओपनिंग हमें मिल जाएगा या ओपन होने के बाद एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। शॉर्ट का ट्रेड नहीं है, शॉर्ट का ट्रेड अगर देखेंगे तो 39,000 के आसपास दिखेगा। अगेन आपको रिपीट करूंगा, 15 मिनट के चार्ट में कोई भी ऐसा बेयरिश कैंडल मिले इसके बिलो आप शॉर्ट कीजिए, ठीक है, शॉर्ट कीजिए, इसके हाई कैसे लगा लीजिए, आपको एक दो कैंडल में जितना प्रॉफिट मिलता है ले लीजिए और रफा दफा करिए, ठीक है, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते ऐसे लेवल में, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ। अच्छा, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो पॉइंट आपके लिए मैं लगा देता हूं, ध्यान रखिएगा यही पॉइंट मिलेगा हमारे लिए, मतलब 350 है। ओके, तो अगर 38,300 के आसपास मिल जाता है तो भी अच्छा है, या फिर और ज्यादा नीचे मिल जाए तो ये पॉइंट याद रखिएगा 38,100 का लोअर साइड में जहां भी मिले हमें वहां से बाइंग करना चाहिए। यहां पर शॉर्ट अवॉइड है, शॉर्ट करना है तो 39,000 के आसपास से अपन प्रीफर करेंगे शॉर्ट का। तो दोस्तों ये हुआ बैंक निफ्टी का, अब देखते हैं हम लोग निफ्टी। चलिए देखिए निफ्टी भी जैसे कल मैंने बताया था 18,000 के ऊपर क्लोज आ जाएगा तो बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा, ठीक है, 18,000 के ऊपर ऑलमोस्ट क्लोजिंग आ ही गया है, तो कल के लिए एक थोड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, आज का हाई इसका रेजिस्टेंस बनेगा, ए पॉइंट रेजिस्टेंस बनेगा, ओके, और लोअर साइड का ए पॉइंट सपोर्ट बनेगा, इस पॉइंट को आप फाइंड आउट कर लीजिए, ए पॉइंट सपोर्ट बनेगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन खुलता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा निफ्टी को ब्रेकआउट करने में यहाँ पर, ठीक है। ये हाई क्या है एकदम पिन पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, 1840। तो दो तरीका हो सकता है, यहाँ से 40 पॉइंट ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि मार्केट इधर ओपन होता है तो यहाँ ब्रेकआउट करने में मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि एक अच्छा ट्रेवलिंग कर चुका होगा, 100 पॉइंट का ट्रेवलिंग कर चुका होगा तो यहाँ से ब्रेकआउट करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मॉर्निंग का कैंडल निकलता है, मॉर्निंग का कैंडल निकलता है, 5 मिनट का चार्ट देखना है, इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है, 18,040 के ऊपर अगर निकल जाए, क्लोज आ जाए, तब हमें बाई करना चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा के रखना पड़ेगा, लगभग 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ट्रेड लेते तो आपको 20-25 पॉइंट में काम चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ब्रेकआउट करेगा 5 मिनट का कैंडल, हमें बाई करना चाहिए अपर साइड का टारगेट, इसमें मिल जाएगा एटलीस्ट 60-80 पॉइंट तो हमें मिल जाना चाहिए, मतलब अपर साइड का टारगेट हमें 18,120 के आसपास का मिलना चाहिए, 100 के आसपास का मिल जाएगा। तो ट्रेड अच्छा होगा अगर अपर साइड ब्रेकआउट करता है तो इस लेवल से, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो गैप अप ओपन होने के बाद एक बार नीचे आने की जरूर वेट करिएगा, ठीक है, नीचे आएगा फिर रिवर्स करेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, ये लेवल अच्छा हो सकता है, ठीक है। मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप ट्रेड करें तो कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। पोजिशन में नो डाउट निफ्टी में भी यहाँ से टारगेट बड़ा बन रहा है, मैं आपको निफ्टी में भी एक चार्ट ड्रा करके बताता हूँ, ठीक है, डेली चार्ट देखेंगे तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। अगर आप यहाँ से देखें और इसमें भी मैं फिबोनाची चार्ट लगा दूँ तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो टारगेट बन रहा है यहाँ से एक टारगेट इसका बन जाएगा अपर साइड में, तो मिनिमम टारगेट से क्या होगा 18,200, एक पॉइंट और मिलेगा अपर साइड में तो 18,400 से लेके 18,500 का, तो 18,500 तक का ऑलमोस्ट मूवमेंट इसमें हम लोग देख सकते हैं, एक राउंड फिगर लेवल भी हो जाएगा 500, तो वहां तक का मूवमेंट निफ्टी में आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है, और ये ट्रेंड में ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि ट्रेंड रिवर्स होगा, इसी ट्रेंड में मिल जाएगा, राइट। इसका जो रेजिस्टेंस था 18,000 से लेके और 17,950 का जो लेवल दिख रहा है यहाँ पर, ये पॉइंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो चुका है, तो कंटिन्यू इसमें अपसाइड के लिए हमें व्यू देखना चाहिए। जब भी हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे फिर नीचे से बाइंग करेंगे। बुलिश मार्केट में दो पॉइंट आपको बता दूं, ठीक है, टॉप में बाई मत करिए और बॉटम पे सेल मत करिए, इसके बाद आपको पैसा मिलेगा।
टॉप में बाई अवॉइड करिए और नीचे में सेल अवॉइड करिए, ठीक है। तो टॉप से सेल करिए और बॉटम से बाई करिए, ये है बुलिश मार्केट का सिनेरियो। इसमें आपको पैसा ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ठीक है। और आप लोग देखते होंगे मैं ऐसी करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों का ही ट्रेड भी मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता हूँ, ठीक है। चलिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों लाइफ टाइम हाई के ऊपर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कल एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। हम लोग BTC ट्रेड इसमें ऑलरेडी लिए हुए हैं, मैं यूट्यूब लाइव में भी था तभी बताया था और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया हूँ। कई लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि कई बार हम लोग लाइव में ज्वाइन नहीं पाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दिया करिएगा। तो चलिए देखिए, अब दोस्तों ध्यान रखिए ये हाई के आसपास है 485, इसका ओपनिंग इसी आसपास मिलना चाहिए। हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नीचे आएगा तो 5 मिनट कैंडल वेट करेंगे BTST वाले, ठीक है। अगर आपको नीचे मिल जाए और आपने BTST ट्रेड नहीं लिया है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, अपर साइड का ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 485 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट बाइंग करना चाहिए, 2 से 3 पॉइंट का SL रखना पड़ेगा और टारगेट इसमें रख सकते हैं आप 490 से लेके 495 तक का, मतलब आने वाले दिनों में हम लोग 5 मिनट के आसपास देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट कैसे लगा के यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पर मिले तो जो कैंडल लो रहे सेम कैंडल का ऐसे लगा के बाइंग कर सकते हैं, टारगेट अगेन आपको सेम बनेगा, सेम टारगेट बनेगा अपर साइड के लिए, अच्छा ट्रेड बन सकता है। नजर रखिए कल के दिन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है रिलायंस इंडस्ट्री। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को बोलूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोग HDFC और रिलायंस में ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर से बोलता हूँ, 2 स्टॉक सेलेक्ट कर लो, वो कोई भी हो सकता है, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे आज मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था रिलायंस इंडस्ट्री में, देखिए कई लोग यहाँ भी ट्रेड ले लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी था BTST, आप लोगों ने देखा रहा होगा कल ऊपर गया, मैंने यहाँ पर बुक कर लिया, ओके। जबकि ये कैंडल नेगेटिव क्लोज किया था, एक लॉजिक है जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए, आपका स्टॉक उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहता है, उसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। देखिए जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो मैंने आप लोगों को अपडेट किया था यहाँ पर कि ये जब 2640 के आसपास आए बाइंग कर लीजिए यहाँ पर, और 5-6 रुपये कैसे टारगेट अपर साइड में, इसमें आपको जितना कैसे है कम से कम 1:2 का ट्रेड आपको मिल जाता है, ठीक है। माफ कीजिएगा थोड़ा तबीयत खराब है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो दोस्तों देखिए 2640 के आसपास का इसका लो है, ओके, लो बना, इसके बाद अपर साइड में गया, मैंने आपको 60 के आसपास बुक करा दिया, 60 के आसपास मैंने बुक कर दिया और आप लोगों को भी करा दिया कि कर लीजिए। इसके बाद मार्केट इसी रेंज में रहा, वापस फिर आ रहा था, मैं यहाँ पर आता तो फिर बाइंग करता, फिर आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर आएगा फिर बाइंग करिएगा। तो मैं कल के लिए आपको लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। कल क्या कर सकते हैं, कल जैसे मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा आपको अगेन बाई करना पड़ेगा, यहाँ बाई कर लीजिएगा 100-200 जितना भी क्वांटिटी हम बाइंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ से 4-5 पॉइंट का एसएल, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा एक कैंडल अच्छा बनते हुए दिखे या जो कैंडल आ रहा है वो थोड़ा रिवर्स करते हुए दिखे तब यहाँ पर बाइंग करिए, ठीक है। बाइंग कर लीजिए, वापस 60-70 के आसपास का टारगेट रख लीजिए। अगर यहाँ पर एसएल कट जाता है, एक लॉजिक बता रहा हूँ, एसएल काट लीजिएगा क्योंकि फिर 2620 के आसपास बाइंग मिलेगा, यहाँ पर बाइंग मिलेगा और यहाँ से रिवर्स आएगा। तो लेकिन आपको ट्रेड देता रहेगा ऊपर की तरफ, नो ट्रेड, क्या ऊपर की तरफ नो ट्रेड, राइट। चलिए इसे डायरी पे नोट करके रखिए, मैं इतना अच्छा लर्निंग चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। दोस्तों ये है BDL और ये स्टॉक आज मैं YouTube में लाइव में था तो आप लोगों के द्वारा ही सजेस्ट किया गया है कि सर ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। देखिए ब्रेकआउट आ रहा है, रेजिस्टेंस इसका अपर साइड में 317-18 के आसपास है, एक अच्छा मोमेंट का जगह बाकी है। तो हम इसे अगर देखें तो टॉप में थोड़ा सा रुका है, ठीक है, एक अच्छा मोमेंट आया है, इस स्टॉक को BTST भी लेके जा सकते थे अपन, ठीक है। तो कल के दिन पे इसमें 311 के SL लगा के आज के हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, आज का हाई का पिन पॉइंट एरिया है 313.50, 313.50 के ऊपर जैसे निकले बाइंग कर सकते हैं, बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए, 311 के SL रखेंगे, 317 इसका आसपास का हाई है, इसलिए 317-318 जो भी वहां पर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और मान लीजिए कि फ्लो में पहले 5 मिनट कैंडल 317-318-319 चले जाता है, तब तक होल्ड करिए, खड़े रहिए और धीरे धीरे आप SL को ट्रेल करते जाइए नीचे की तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, HDFC बैंक देखिए, आज बड़ा मोमेंट तो नहीं आया लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है, बट क्या है देखिए इम्पोर्टेंट, मैं आपको एक और लॉजिक बताता हूँ, इसे आप देखिए लाइन चार्ट पे, लाइन चार्ट में देखिए तो ये एरिया क्या है, इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर अभी ये क्लोज किया है, ठीक है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अभी ये 2650 के ऊपर ही खड़ा है, ओके।
जो सॉरी 26-25 के ऊपर ही खड़ा है, जो इसका ब्रेकआउट लाइन है, राइट। तो अगर अब यहाँ से ऊपर खड़ा है, इसका मतलब कि यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा लॉजिक क्या है कि इसमें अपर साइड का मूवमेंट आना चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न में चलते हैं, राइट। तो कल क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट, जैसे मैंने अभी आप लोगों को रिलायंस निफ्टी बताया, मैं बड़े चार्ट में लेके चलूँ क्या, 15 मिनट में थोड़ा ज़्यादा ईजी दिखेगा, क्योंकि प्राइस दिखना चाहिए, मैं लोअर साइड में क्या लगाता हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। देखिए इसका जो बॉटम का जो लाइन है वो 1620 के आसपास है। अगर आपको कल ये नीचे की तरफ यहाँ पर दिखे 1620 या 25 के आसपास दिखे, ठीक है, कोई भी अच्छा कैंडल दिखता है, यहाँ पर हैमर टाइप का कैंडल दिखता है, बुलिश टाइप का कैंडल दिखता है, आप 620 का एसएल लगा के इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगेन आपको इंट्राडे में 635, 640 और 645 का भी भाव दिखा देगा, लेकिन जिस दिन 645, 640 के ऊपर क्लोज करके जाएगा, आप पोजिशनल लेके जा सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट 660, 680 का आपको दिखा सकता है। आने वाले दिनों में एक दो दिन में बड़ा मूवमेंट आएगा, नजर रखिएगा, चूंकि हैवी वेट स्टॉक है, अकेला SBI नहीं चलेगा, ब्रेकआउट करके खड़ा है तो HDFC बैंक में भी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। कल इसमें थोड़ा सा वेट करिए, लेकिन मान लो दोस्तों कि कल ही निकल जाता है अपर साइड में, तो क्या करें, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर बाइंग करिएगा, 40 के ऊपर बाइंग करेगा, जैसे कल मैंने बताया था 1640 के ऊपर बाइंग करेंगे, और बाइंग करेंगे तब 10 पॉइंट से ज्यादा कैसल रखेंगे नहीं, ठीक है, मतलब 30 कैसल रखेंगे, और टारगेट 20 से 40 पॉइंट का हम लोग देख सकते हैं। ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा, एक दिन इनसाइड हुआ है, इनसाइड के बाद जब ब्रेकआउट आएगा दोस्तों तो उसका ब्रेकआउट बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो होपफुली हूँ कि इसमें ब्रेकआउट आना चाहिए कल के दिन पे या परसों, जब भी यहाँ पर मान लो कि एक दो दिन इनसाइड हो जाता है, इसके बाद ब्रेकआउट आता है, बट जब भी ब्रेकआउट आएगा मोमेंट आपको अच्छा देके जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही तक, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।